रेंज की जमीन पर भैंस चराने पर मारपीट, आधा दर्जन घायल। शिवपुरी से खबर, जहां पर तेंदुआ थाना क्षेत्र के ग्राम टोडा से खबर है, यहां रेंज की जमीन में भैंस चराने पर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि भैंस चराने आए युवकों की मारपीट कर दी गई। इतने में आरोपितों का मन नहीं भरा तो गांव में जाकर युवक के परिजनों की मारपीट कर दी। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। नीरज पुत्र बादाम यादव निवासी टोडा तेंदुआ ने बताया कि रोज की तरह वो अपनी भैंसों को रेंज की जमीन में चराने ले गया था। यहाँ राम सिंह, ललन सिंह, प्रीतम, देवेंद्र, वीरेंद्र, पंचम, रूप सिंह, जगदीश आ गए और भैंस चराने से मना किया। जब नीरज ने कहा कि ये तो रेंज की जमीन है, तुम्हारी पट्टी की नहीं, इस पर गाली गलौज की गई। जब गाली देने से आरोपियों को मना किया गया तो उन्होंने लात, घूंसों और डंडों से मारपीट की। युवक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे तो आरोपी पीछे आ गया, नीरज के परिजनों की मारपीट कर दी। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद आरोपित फरार हो गए हैं। सर, हमारे साथ मारपीट हुई है। किसने मारा? राम सिंह, लालन सिंह, प्रीतम, देवेंद्र, वीरन, पंचम, रूप सिंह और जगदीश। सर, भैंसें चल रही थी रेंज की जमीन में, और हमने जो बोला था भैंसों में लट दे रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें भी कनपट्टी दे दी। तो हमने बोला भैया छोटे छोटे बच्चों क्यों मारते, इसमें तो सबकी बगड़ती है, ये तो रेंज की जमीन है, आपकी पट्टी की भी नहीं है। उन्होंने बोला हमारी तो ऐसी ही है और ऐसी चलेगी हमारी। हाँ, और फिर घर पे आन के मैं फ्रेश होने गया था, उधर ही मारा मेरा छोटा भाई चाचा का लड़का, वो वहाँ पे गया, दिया धंडी तो उधर मारा, उसने चिल्लाया, तब घर वाले गए थे, फिर उनको भी पीट दिया, चाची वगैरह सबको।